हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल सागर इंटरनेशनल एथलीट। आज की मेरी वीडियो है, काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारी भर्ती 10-15 दिन बाद है, हम क्या करें, क्या खाएं, क्या करें। तो मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा ये बताऊंगा क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखो, वर्कआउट तो हर कोई बता रहा था, वर्कआउट मायने रखता है, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम गलती करते हैं अपने 10 से 15 दिन पहले रेट से, ठीक है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए जो एकदम इफ़ेक्ट करे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो मैं पहले कहूँ वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मेरे बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, मेरे इंटरनेशनल मेडल हैं रनिंग में और कई बार नेशनल मेडल हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या है, जब हमारी भर्ती होती है या हमारी रेस होती है, उससे एक हफ्ते पहले बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जान लगा कर वर्कआउट करते हैं। कभी भी एक हफ्ते पहले हमें जान नहीं लगानी चाहिए हमारी बॉडी से, क्योंकि हम जान लगाते हैं ना, बॉडी लोड में आ जाती है। लोड समझ रहे, एक तरीके से दबाव, हम एक ट्रक समझ रहे, ट्रक पर हमने बहुत सारी पेटियाँ गिर दी हैं और ट्रक, फिर जो ट्रक की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, उसको लोड कहते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी अपनी बॉडी पर दबाव गिर के उसको जो है अपनी स्पीड को डाउन कर देते हो, ठीक है। आपको पता है खाली ट्रैक और भरे हुए ट्रैक में बहुत अंतर होता है स्पीड में। तो खाली, हमें अपनी बॉडी को खाली करना है एक हफ्ते पहले, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में वर्कआउट भी बता देता हूँ 2 हफ्ते का, ठीक है, जिसके 2 हफ्ते बचेंगे ये स्पीड वर्कआउट करना है। इसमें मैं टाइमिंग नहीं लिख रहा हूँ, टाइमिंग आपको अपने हिसाब से करनी होगी, मतलब कि क्या टाइमिंग लगानी है। मैं आपको रेस्ट और लैब बता देता हूँ, पूरे 2 हफ्ते ये वर्कआउट वीकली फॉलो करना है, ठीक है। तो वर्कआउट मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्कआउट आपको समझ आ गया होगा, जिसको समझ ना आया हो वो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। और दूसरा, हमें जो है क्या खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए। देखो, मैंने आपको व्यू टू मैच के बारे में बताया और 2 सप्लीमेंट आपको मैं रिक्वायरमेंट करता हूँ, क्योंकि ये जो लो फैमिली वाले होते हैं अपना हाई सप्लीमेंट, देखो वैसे अगर हम किट की बात करें एकदम, तो हमें हाई लेवल का सामान चाहिए, वो 10,000 रुपये से नीचे का नहीं आता। पर जैसे कि जो भर्ती की तैयारी करते हैं, सब करते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, वो व्यू टू मैक्स यूज़ कर सकते हैं। व्यू टू मैक्स ऐसा 2 दिन के अंदर ही चालू हो जाता है, देखना स्टैमिना का, जो भी बिगिनर लड़के होते हैं कुछ होते हैं उनके लिए बेस्ट रिजल्ट है। मैं साइड में फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, जिसको भी चाहिए हो, ठीक है, व्यू टू मैक्स को आप 1500 रुपये की है ये नीचे नंबर है, इन दोनों नंबर में से कोई से भी नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और आपको बाय करने में आसानी होगी, ठीक है। और कहीं अगर आप कहीं और से लेते हो दूसरी व्यू टू मैक्स, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी महंगी है, 2500-5000 रुपये की, वो सब अपना ऐसी है, ठीक है। अपना आपको मैंने बता दिया, आप व्यू टू मैक्स यूज़ कर सकते हो भर्ती से 2 से 3 हफ्ते पहले, ठीक है। और केनिया का सप्लीमेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा है, पाउडर फॉर्म में, रनिंग से 15 मिनट पहले ले सकते हो, इसको भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इसका भी रिजल्ट बेस्ट है ना। ये केनिया से मंगवाना पड़ता है, इसका थोड़ी दिक्कत होती है बाहर से मंगवाने के लिए, इसे हम 20 से 30 ही पीस मंगवा पाते हैं। ये सब आप लोगों के लिए है कि अच्छा करो, और रिजल्ट तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे, इन चीज़ों के बहुत अच्छे हैं। और भर्ती से 1 दिन पहले आप क्या खा सकते हो ये और मैं बताता हूँ आपको। कार्ब ज़्यादा लोड करना बॉडी में, कार्ब क्या, कार्ब हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। तो 1 रात पहले आप जो है अपना क्या कहते हैं, आलू वगैरह, अपना केले वगैरह, रोटी जो है कम खानी है, ठीक है, चावल खाने हैं 1 दिन रात पहले, और चावल ज़्यादा नहीं खाने हैं, ठीक है। और जैसे सुबह होती है ना रनिंग से, लाइक रेस से आधे घंटे पहले का खाना, एक सेब खा लो, केला खा लो, केला खाओ, क्योंकि केले में कार्ब होता है, एक कार्ब लोड करोगे बॉडी में जितना उतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी। और 1 दिन पहले आप 3 नारियल, कम से कम 3 नारियल पानी, क्योंकि इसमें प्लेटलेट अपने की ताकत होती है, प्लेट जितनी अच्छी होगी हमारी बॉडी की उतनी अच्छी हमारी बॉडी चलेगी, ठीक है। नारियल, चॉकलेट, आलू वगैरह, अपने ये सारी चीज़ें 1 दिन पहले ज़रूर खाओ, उससे बॉडी बेस्ट होगी। और कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सप्लीमेंट से रिलेटेड, आपको हम बताते रहते हैं, तो आप नीचे नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप मैसेज करना भाई, कॉल मत कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। एक चीज़ और भाई, आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं यूट्यूब पर कमेंट इतने पढ़ नहीं पाता हूँ, कमेंट आप कर सकते हो, बता सकते हो क्या है इसमें। आप इंस्टाग्राम है, मेरे साइड में मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, जो भी नए लोग हैं फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, शायद मैं रिप्लाई ना दूं, पर मैं पढ़ के उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, मेरी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो आप लोग, ये इंस्टाग्राम है मेरा, वेरीफाई अकाउंट है, काफ़ी लोग 1,31,000 लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और आप भी जुड़ सकते हो।
और ऐसी वीडियो अच्छी लगे शेयर करते रहना। अभी बाहर देश फिर से जाएंगे, फिर आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमारे चैनल से जाएंगे।